मर जा रहे हैं बाइक का बाइक से। हाँ बाइक मेरा नहीं सुनोगे मर जा रहे हैं। बहुत ही गाड़ी प्रेशर में है। उसके बाद हमें और भी ऊपर जाना है। और फ्रेंड्स अभी हमने बाइक बंद कर दी है तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से सारा हमदान नज़र आता है और जब मैं ऊपर जाऊँगा तो फिर और भी मज़े हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें जाना है। यह है खूबसूरत प्लेस है। बहुत ही ईरानी पसंद करते हैं इनको इसलिए बहुत ही इधर रश लगी पड़ी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा मुझे ऊपर जाना है उसके बाद मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मौसम भी बहुत अच्छी है आज। फ्रेंड्स मैं अभी फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी पे आ गया हूँ। अच्छा तुझी बात दे ये है ईरानी लोग और खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पर पाकिस्तानी भी ज़्यादा होंगे जितना लग रहा है। ये खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है आप बस अभी देख लें। तो यहाँ पर झील भी है खूबसूरत है बाम लैंड झील भी खूबसूरत बनी हुई है और लोग भी बहुत आए हुए हैं विज़िट करने और रहने के लिए भी यहाँ पर आते हैं रात को फैमिली के साथ। ये है अब्बास आबाद की खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस। उसके बाद मैं उस साइड पे भी जाऊँगा। साइड पे भी जाऊंगा। ये
ईरान मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस भी है और ख़ूबसूरत मुल्क भी है, और यहाँ पे इसके जो शहर हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं इनके प्लेसेस वगैरह हर चीज़। यहाँ पर झील है फ्रेंड्स, ये है सीढ़ी इस साइड से उस साइड पर जाने के लिए, लेकिन मुझे उस साइड पे जाना चाहिए कि नहीं, इधर से रास्ता नहीं है तो जाना ही पड़ेगा ऊपर। ये देख सकते हैं ईरानी लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ईरानी फ्रेंड्स, अभी मैं अपना जो है व्लॉग वो अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। तो ये लास्ट एंडिंग प्लेस थी जो मैंने आपको दिखाई है, और ये पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये शीशे वगैरह पड़े हुए हैं इस पर, अभी कुछ करेगा लेकिन